ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने, मतलब किसी बेस्ट फ्रेंड ने बोला यार एसईओ कर, मैंने कहा एसईओ क्या होता है भाई? तो उसका फायदा ये होता है, मतलब आपको एक मतलब होता है ना बूस्ट मिलता है इनिशियली, रैंकिंग फास्ट आएगी। एग्जाम्पल आप फूड के ऊपर बहुत लिख सकते हैं, तो स्टार्टअप फूड ब्लॉग, मैंने अपनी टीम बिल्ड कैसे की है, तो आई हैव बिल्ड माय टीम ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। अगर आपका नेगेटिव रवैया रहेगा तो कौन आएगा आपके पास भाई? हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड आज हम लोग आए एक और पॉडकास्ट से, एंड आज हम लोग काफी स्पेशल इंसान के साथ में, नेटवर्किंग किंग, ब्लॉगिंग किंग, एसईओ किंग, थैंक यू जितेंद्र वासवानी। तो जिन लोगों को नहीं पता कौन हो आप, क्या करते हो, क्या स्पेशलिटी है? मैं एसईओ बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे 8-9 साल हो गए एसईओ करते हुए आराम से। पहले मैं जॉब करता था एसईओ में, तो वहीं से मैंने देखा कि बहुत लोग अपना साइट वाइट रन कर रहे हैं, अफिलिएट साइट्स, तो वहीं से मुझे आइडिया है कि यार मैं भी अपना कुछ साइट स्टार्ट कर सकता हूँ राइट। तो ऐसा मुझे 2012 में जब मैंने जॉब की फर्स्ट टाइम, मेरी मतलब इंजीनियरिंग हो गई थी ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने, मतलब किसी बेस्ट फ्रेंड ने बोला यार एसईओ कर, मैंने कहा एसईओ क्या होता है भाई? तो गूगल पर सर्च किया व्हाट इज एसईओ, तो वहाँ पे आया ऑन पेज ऑफ पेज, तो थोड़ा मैं रट के गया था इंटरव्यू भाई, मुझे जॉब चाहिए थी। अब घर वालों को बहुत प्रेशर था, मतलब जब इंजीनियरिंग आप करते हो तो प्रेशर बहुत होता है राइट। वहीं से फिर एसईओ का थोड़ा आइडिया लगा, पहली जॉब की और सेकंड जॉब जब की थी, तो वहाँ से आया कि चलो अब अपनी साइट भी स्टार्ट करते हैं। तो अपना डोमेन वोमेन लिया, ब्लॉगर्स आइडियाज, तो वो मेरी ऑफिशियल है साइट जहाँ पे मैं अपनी एसईओ इंटरव्यूज, केस स्टडीज, आर्टिकल्स बहुत कुछ लिखता हूँ एसईओ पे राइट। तो मुझे दिखा कि एसईओ में बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत सारे लोग एसईओ में बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एज अ स्पीकर। तो मैं मतलब उनके बारे में रीड करना स्टार्ट किया, नील पटेल, रैंड फिशकिन, जैक जॉनसन, जॉन चाओ, मैंने इनके बारे में देखा कि यार अफिलिएट मार्केटिंग से ये लोग बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, और ये लोग जो भी, और ये लोग वीडियो मतलब देख रहे हैं, आप भी मतलब इजिली स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने गूगल एंड यूट्यूब पर सर्च करना सीख लिया। आपके जो भी सवाल है वहाँ पे आप डालोगे तो आपको आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर श्योर। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब हाउ टू डू दिस। अभी आपका जो मेन ब्लॉग है वो है ब्लॉगर्स आइडियाज राइट। अभी इसमें कितना ट्रैफिक आ रहा होगा आपका? अभी मेरा ट्रैफिक काफी, मतलब रीसेंट गूगल अपडेट्स में काफी ट्रैफिक की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, तो अराउंड अभी मेरा अराउंड 500,000 ट्रैफिक पहुंच गया है इन अ मंथ। इंफॉर्मेशन कंटेंट का मतलब ऊपर ट्रैफिक बहुत आ रहा है। क्यों मैं इंफॉर्मेशन कंटेंट घुसा रहा हूँ, मतलब गूगल क्या बोल रहा है आज कि आजकल इंफॉर्मेशन साइट्स की वैल्यू बहुत है, मतलब पुट अगर आप अफिलिएट साइट रन कर रहे हो, रिव्यूज और ये सब वाली साइट, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेंट भी हो, मतलब 60% इंफॉर्मेशन कंटेंट हो और 40% आपका जो भी है, आप ये अपना रिव्यूज, जो भी कूपन्स वाले, अफिलिएट वाले, वो आप मतलब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें राइट। तो यही है, मतलब रेशियो आपको थोड़ा रखना होगा, मतलब गूगल वॉन्ट्स की आपकी साइट पे मतलब इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट बहुत हो, एज एन एजेंसी हो, डोंट represent your site as an affiliate site. Okay. So, आप as an affiliate site मत दिखाओ, वहाँ पे आप as an agency दिखाओ कि we are a company, we are running this site. तो वहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, मतलब you will have the trust of the Google. Right. In that case, yes. तो आपने पूरा organic ही है आपका? Organic totally, yeah. तो how should one start into organic? कौन से important factors है at present जो उसको starting में ध्यान रखनी चाहिए? अगर आप as a beginner start कर रहे हैं तो buy a fresh domain. अगर आपका investment के लिए ऐसे नहीं है, बिकॉज अगर एज अ प्रो हैं आप तो ऑफ कोर्स एक्सपायर्ड डोमेन एसईओ में बहुत अच्छे खासे वर्क करते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन मतलब यार डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी कि $5,000, $6,000, $10,000, तो मैंने तो इस साल कम से कम 20 से 30 लाख रुपए तो मैंने सिर्फ इसमें लगाए हैं डोमेन्स में, एक्सपायर्ड, यस, मैंने अराउंड यस मैंने सब खरीदे हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स, ये भी टेस्टिंग की है, मतलब कुछ फेल हुए हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप एज अ बिगनर हैं तो आपको फ्रेश डोमेन से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपके फंड्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से एसईओ में स्टार्ट करना है तो बेसिक आप एज अ फ्रेश डोमेन लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत सीखिए कि ऑन पेज कैसे, मतलब फर्स्ट स्टेप एसईओ का वो ये कि ऑन पेज साइट कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, साइट का डिजाइन कैसे करना है, तो ऑन पेज लाइक इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सपायर्ड डोमेन लेने से फायदा है, मतलब अगर फायदा है ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई बंदा 5 लाख डालेगा एक्सपायर्ड डोमेन में राइट, तो वो डोमेन का पहले से ही ऑथोरिटी, ट्रस्ट और जो बैकलिंक्स पहले से क्रिएट किए हुए हैं, मतलब इन द आईज ऑफ गूगल उसका ट्रस्ट है पहले से ही, तो उसका फायदा ये होता है, मतलब आपको एक मतलब होता है ना बूस्ट मिलता है इनिशियली, रैंकिंग फास्ट आएगी एक्सपायर्ड डोमेन। अगर आप फ्रेश डोमेन लोगे तो यार कुछ गारंटी नहीं कि एक साल भी लग गया तो उसको आप मतलब उसके ऊपर आपको घिसाई बहुत करनी पड़ेगी, और वो घिसाई मैंने भी की थी जब मैं स्टार्ट करा था 2012 में, मुझे भी नहीं पता था कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है। मैं तो ये फ्रेश डोमेन लिया था, अब
अब उसी को मैंने अपना अथॉरिटी बिल्ड किया है राइट ओवर द एज ऑफ लाइक 8-9 इयर्स राइट तो ये बाकी फिर आपका आता प्रोसेस नीश आप किस नीश में आप लिखना चाहते हैं हेल्थ नीश में मेक मनी ऑनलाइन में तो मैं रिकमेंड करूंगा जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है एग्जाम्पल आप फूड के ऊपर बहुत लिख सकते हैं तो स्टार्ट अ फूड ब्लॉग रिव्यूज करो प्रोडक्ट के हेल्थ प्रोडक्ट के रिव्यूज करो तो फूड इज वेरी लाइक अगर आपको लगता है कि आप वहाँ बहुत ज़्यादा अपना आपका एक्सपर्टीज है वहाँ बहुत लिख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा मैंने एसईओ में स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे एसईओ के बारे में नॉलेज थी तो मैंने जॉब की थी तो मुझे आइडिया था कि हाँ एसईओ ये होता है ऑन पेज ऑफ पेज ये होता है तो मुझे आइडिया लग गया था तो मैंने उसी के ऊपर स्टार्ट की साइट तो ये मेरा टिप्स रहेगा जो भी एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं पहले डोमेन देखो अपना फ्रेश डोमेन ऑफ कोर्स एज अ बिगनर यस देन यू हैव टू सिलेक्ट योर नीश फिर आपकी कीवर्ड रिसर्च होती है यस आपकी कीवर्ड मतलब रिसर्च है आप मतलब उस टॉपिक में आप क्या क्या लिखना चाहते हैं फूड प्रोडक्ट रिव्यूज है कौन सा खाना हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है तो स्टार्ट लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स राइट राइट जो गूगल पे अभी ऊपर रैंक कर रहे हैं उनके आप कुछ कीवर्ड देखिए लो कॉम्पिटिटर जहाँ पे आप रैंक कर सकते हैं बिकॉज आपके पास अभी फ्रेश डोमेन है राइट तो फ्रेश डोमेन को थोड़ा रैंक होने में थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एक्सपायर्ड डोमेन राइट तो इनिशियली 2-3 महीने ओनली फोकस ऑन इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट इनिशियली दो या तीन महीने प्लीज डोंट पुट आउट अफिलिएट आर्टिकल्स ये सब रिव्यू आर्टिकल बिकॉज गूगल को आपकी साइट को अभी ट्रस्ट नहीं है तो यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट विद द गूगल राइट तो प्रोसेस यही है इसका जी तो इसमें बैकलिंक्स का रोल कब आता है कब उस पे कंसंट्रेट तो पहले तो जब ऑन पेज होगा अच्छा खासा स्ट्रांग तो फिर उसके बाद आप बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करते हैं बट 90% एसईओ वही है कंटेंट एंड बैकलिंक्स जैसे आपकी गेम आगे आगे बढ़ती जाएगी तो बैकलिंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा तो आपको बैकलिंक्स बाय करने पड़ेंगे फ्री में कोई नहीं देगा भाई ये फैक्ट है फ्री में बैकलिंक्स कौन देगा कृपेश अगर आपने साइड रैंक आपको कुछ ना कुछ डील मतलब ब्रेक डाउन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके साथ वैल्यू देनी पड़ेगी कुछ जहाँ तो सामने को वैल्यू जब मैं स्टार्ट करा था तो मैंने तो अपना किसी को वैल्यू ऑफर की थी ये इंटरव्यू लिंक्स और ये सब देखे मैं थोड़े इंटरव्यूज करता था इनिशियली बिकॉज मेरी जेब में पैसा नहीं था यार तो मैं बड़े बड़े लोगों के मतलब जैसे अभी हम मतलब इवेंट में एफिलिएट वर्ल्ड में तो मैं यहाँ पे आया था मैंने ये बड़े बड़े जो भी स्पीकर है इनके साथ मैंने इंटरव्यूज किया है जैसे अभी आप कर रहे हो मेरे साथ राइट सेम मैंने भी वही किया था रीच बनी उससे फिर लोगों ने रीच किया तो मेरा मतलब इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है हम इंटरव्यू लेंगे तो उसके थ्रू मुझे बैकलिंक्स मिले फ्री में एक्सचेंज करके यस मतलब आपको कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा डील निकालनी पड़ेगी यस 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 सो यू हैव टू गिव ओके सो बैकलिंक्स का रोल कब आता है मतलब कितने आर्टिकल्स पहले मैं लिख लूं उसके बाद मैं बैकलिंक्स पे कंसंट्रेट कर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पहले एटलीस्ट 1-2 हजार आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ ऑन पेज इसके बाद आप बैकलिंक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं इनिशियली फोकस ऑन पेज मोर साइट को वेल ऑप्टिमाइज राइट वेरी गुड कंटेंट डू प्रॉपर इंटरलिंकिंग एक्सटरलिंकिंग और ये आप सब कीजिए राइट एंड यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं मतलब एक्सपर्ट नील पटेल है मैट डिगेटी है यार वो लोग सब फ्री में आपको ज्ञान दे रहे हैं पर आप फ्री में भी आप लेके वहां से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो दैट्स Like waste of your time. अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो YouTube, Google पे फ्री है सब एज अ बिगनर आपके लिए सब फ्री में अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाइए सर्च कीजिए वहाँ से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं यार yes. तो पहले हम डोमेन्स लेंगे ठीक है डोमेन के बाद हमें अपना करना है नीश सिलेक्ट या नीश नीश के बाद ऑन पेज एसईओ डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड रिसर्च या डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड रिसर्च बैकलिंक सबसे लास्ट वो तो लास्ट में ही आएंगे ऑफ कोर्स जब आपके पास जब थोड़ा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका बिल्ड हो जाएगा जी तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको कहाँ लगता है ये तो बिगनर्स के लिए हो गया बहुत सारे लोग हैं जो पहले से पूरा सब कर रहे हैं हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कर चुके हैं जिनको एक एक साल हो गया है जो अब जो थोड़े एडवांस लेवल पे आ रहे हैं प्रो लेवल पे आ रहे हैं 2-3 साल बाद अब तो यार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में 2-2 साल में लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँच गए एसईओ में अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं महीने का राइट तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी जो लोग फंसे हुए हैं एसईओ में अभी कौन से जो फंसे हुए अभी तो यार उनके लिए मैं ये बोलूंगा एनालाइज जो कॉम्पिटिटर उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे से करो तो रिवर्स इंजीनियरिंग का बहुत बहुत बड़ा यहाँ क्रूशियल रोल है जो आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं वो ऐसा कंटेंट में क्या घुसा रहे हैं एफएक्यू स्कीमा एसईओ में बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर है अब यहाँ पे हम बात नहीं करते 200 रैंकिंग फैक्टर अगर हम बोलेंगे तो पूरी रात मतलब निकल जाएगी इसमें तो राइट 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं आप सर्च कीजिए मतलब गूगल पे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा कि आपकी साइट में क्या इश्यूज हैं साइट की स्पीड अच्छी है नहीं है ऑप्टिमाइज किया हो आर्टिकल्स कितने अच्छे ऑप्टिमाइज है मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है
तो सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन रैंकिंग राइट, तो आप वो एनालाइज कीजिए, बस कंपटीशन को एनालाइज करना, एनालाइज करिए उनकी साइड आपसे ऊपर कौन है राइट, आपसे मतलब ऊपर है कौन है और क्यों है, क्यों है वो फिगर आउट करने की कोशिश, वो आपको मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग तो बहुत स्ट्रांग करनी पड़ रही है, तो आपके पास यही वे है अभी राइट, ये मेन तरीका है यस, अगर आप फंसे हुए हैं तो मैं खुद फंसता हूँ इसमें, तो क्या दिक्कत है, तो हम देखते हैं कि ये बंदा ऊपर क्यों रैंक कर रहा है, ऐसा क्या अप्लाई कर रहा है स्ट्रेटजी, सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लुक, एंड कौन सी गलती है जो बहुत ज्यादा लोग अभी कर रहे हैं एसईओ में, एसईओ में ब्लॉगिंग, एसईओ में जो मुझे दिखता है बहुत सारी जो बड़ी गलतियां हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म के पीछे बहुत भागते हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए, एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये लॉन्ग टर्म गेम है राइट, इट विल टेक सम टाइम इनिशियली टू मेक सम मनी राइट, तो इनिशियली मैं आपको ये बोलूंगा फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल सो यू अर्न राइट, पहले आप सीखो मतलब एसईओ में बेसिक्स क्या है, अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया एक साल तक आपने मतलब इंटेंस फोकस किया एसईओ में, तो गारंटी है कि आप अगले महीने से अगले साल से $1,000 महीने का स्टार्ट कर दोगे प्रॉफिट में अर्न करना, एक साल का अगर आपने इंटेंस फोकस किया तो आई कैन मेक यू श्योर कि इतना पैसा आपके पास गारंटी आएगा, अगर आपने एक साल तक इंटेंस फोकस रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से किया तो गारंटी यू विल गेट नेक्स्ट ईयर आपके पास मतलब रिजल्ट्स आना मतलब स्टार्ट होंगे फॉर श्योर। अब हम लोग इसको एक और नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, हाँ। हमारा ब्लॉग हो गया, हमने $1,000 रन करना स्टार्ट कर दिया, अब टीम सेटअप करनी है क्योंकि आई नो यू आपने काफी अच्छी टीम सेटअप करके रखी है, आपने सारे एसओपीज बना के रखे हैं, तो अब उस लेवल पे अगला बंदा कैसे जाए, अगर आप उस लेवल पे जाना है तो लाइक मैंने अपनी टीम बिल्ड कैसे की है, तो आई हैव बिल्ड माय टीम ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस तो कि यार ये बंदा अच्छा है एसईओ में मत उसको आएगा ले, ये मेरा भाई है इससे बात कर ले, ये कृपेश का भाई है, ये कृपेश की बहन है, तो दैट्स व्हाई हाउ आई हैव हायर्ड पीपल, अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे इवेंट में पीयूष, तो उसकी बहन मेरे साथ काम करी एसईओ में, रेफरेंस तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाया, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है यार, कॉल तो करके देखो, हाँ भाई कृपेश है कोई बंदा एसईओ में, है कोई राइटर, है कोई बंदा, कॉल ही नहीं करेंगे लोग, मतलब करेज ही नहीं है, मतलब हिम्मत दिखाओ यार, हिम्मत दिखाओगे तो आएंगे लोग यार, ऑफकोर्स नेटवर्किंग, सो टॉक टू पीपल यार, लोगों से बात करोगे कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आएगा, पर लोगों में हिम्मत ही नहीं है यार, दिक्कत यही है हमारे साथ कि हमें हिम्मत नहीं है मतलब किसी से कुछ हेल्प मांगने की, तो हर एक बंदे को हेल्प की नीड है, हर बंदे को कुछ ना कुछ नीड है राइट, तो अगर आपने उस बंदे के साथ काम किया है, एक्सपीरियंस है, आपका कोई दोस्त अच्छा है, तो आप उससे रेफरेंस में दे रहे हो, तो आपको बहुत फायदा देगा ही देगा आई एम श्योर, तो मैंने अपनी टीम 20 होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, एंड मैं अपनी टीम को अच्छे से आप ट्रीट करोगे विद काइंडनेस एम्पैथी और ग्रेटिट्यूड अराउंड टीम है, यस यस, तो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, 20 लोगों की टीम, एसओपीस हमने सारी क्रिएट कर रखी है, हमने एसओपीस राइट, और मेरी एचआर है, मैनेजर्स है मेरे, तो उनको मैंने सब गाइडलाइंस दी हुई है हाउ टू हैंडल द टीम, तो उन्हीं के थ्रू सारा वी कैन इजीली हैंडल द टीम राइट नाउ, बहुत टाइम लगा ऑफकोर्स इन द बिगनिंग इट वॉज, मैं खुद सा बनने का था, पर मैंने कहा कि यार मतलब 3 साल पहले तो मैंने कहा अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा हैंडल, यार ये बहुत ज्यादा मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इंपैक्ट हो रही थी इससे, तो या थैंक यू सो मच, आपने ब्लॉगिंग का बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं जाने दूंगा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इनको एज अ पर्सन काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, हम लोग मिले थे दुबई कॉन्फ्रेंस में फेस टू फेस फर्स्ट टाइम, एंड इनके जो नेटवर्किंग है इट्स गोल्ड, इवेंट में इनसे बात कर ली आपने, इनके साथ आप 5 मिनट खड़े रहो 5-10 लोग डेफिनेटली आएंगे जो इनको जानते हैं, और वो भी सब अच्छे से मिलते हैं मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब मैंने बिल्ड किए रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में खेलते हैं गेम, मैं लॉन्ग टर्म में मतलब खेलना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी है कि लोगों से मिलो, उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, अच्छे से बात करोगे, काइंडनेस के साथ बात करोगे, एम्पैथी दिखाओगे, ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, तो लोग आएंगे आपके पास, अगर आपका नेगेटिव रवैया रहेगा तो कौन आएगा आपके पास भाई, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना ही होगा, शेमलेस यार, मतलब मैं तो जाके अपना लाइक इंट्रोडक्शन में ये कर रहा हूँ एसईओ में, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं फेसबुक कर रहा हूँ, मैं एड्स करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस, आप 20 लोगों से बात करोगे एट द इवेंट में, 20 में से एक या दो आपको कनेक्शन ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपका लाइफ लॉन्ग बिजनेस होगा ही होगा, और मेरे साथ यहाँ पे ऐसे लोग कनेक्शन में है आज, एक बार मिला फिर हर महीने कुछ ना कुछ मुझे $200 $500 $1,000 दे आर गिविंग मी रिकवरिंग रेवन्यू,
ऑल द टाइम, मतलब पहले कन्वर्ट, पहले मीटिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्ड सम कनेक्शन, ऑफर देम वैल्यू, आस्क देम आप कैसे हो, आपका क्या चल रहा है, लाइक सो गिव सम वैल्यू ओवर द पीरियड, कौन आपकी हेल्प, कब कौन आपकी हेल्प करता है, तो वही है सारा प्रोसेस, राइट। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा और इंसाइटफुल नॉलेज आपने शेयर किया है, अच्छा लगा कृपेश, तू भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो बस सबका गोल यही है कि सब साथ में आगे बढ़ें, डेफिनेटली, वेरी गुड टू सी यू हियर अगेन, थैंक यू सो मच, लेट्स चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय, आई विश यू लॉट ऑफ गुड लक, बाय, टेक केयर।